Hey guys, welcome back to Movie Narco. और आज हम बात करेंगे 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़ के बारे में, जो कि Amazon Prime पे अवेलेबल है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको शायद ऑस्कर के लिए जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कम अकले लोगों की वजह से इसको नहीं भेजा गया। कहानी शुरू होती है पूर्ति की देवी से, जो कि अनलिमिटेड सोने और अनाज का प्रतीक है, और इसमें बताया गया है कि ये पृथ्वी देवी की कोख है। ऐसा कहते हैं कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, तब देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर उनको सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, जिसका नाम हस्तर है। पर आज के वक्त हस्तर का जिक्र कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हस्तर देवी का सारा सोना और अनाज अपने लिए चाहता था। सोना तो उसने अपनी मनमानी से ले लिया, पर जब वो अनाज लेने गया तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और उसे अनाज नहीं लेने दिया। इस हमले से पूर्ति की देवी ने हस्तर को बचा तो लिया, बट उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसकी पूजा कोई नहीं करेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, पर कुछ वक्त बाद कुछ लोगों ने हस्तर के नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं उस दिन से बाकी देवी देवताओं का क्रोध पानी बन के तुम्बाड़ पर बरस रहा है। अब फिल्म की शुरुआत होती है 1918 के तुम्बाड़ गांव से। हमेशा की तरह बारिश हो रही है, तभी एक औरत बारिश में भीगते हुए एक बड़ी सी हवेली में जाती है। वहाँ पे एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है, जो कि उस औरत से कुछ फेवर्स लेता है। वो औरत उसे थोड़ा जल्दी करने को कहती है, क्योंकि उसे घर वापस जाके एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है। उस कमरे में हस्तर की मूर्ति रखी होती है, जिसके हाथ में एक गोल्ड कॉइन होता है। वो औरत उस बूढ़े आदमी से वो गोल्ड कॉइन मांगती है, तो वो उसको मना कर देता है। वो कहता है कि वो ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, उसे कमाना पड़ता है। वहीं बारिश में भागते भागते उसी औरत के दो बच्चे अपने घर की तरफ जाते हैं, पर जब वो घर पहुंचते हैं, वहां पे ताला देख वो समझ जाते हैं कि उनकी माँ अभी वापस नहीं आई है, और थोड़ी देर वो बाहर ही वेट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है। तो वो ताला खोल के अंदर जाते हैं, और बड़ा वाला भाई, जिसका नाम विनायक है, वो उसके लिए खाना बनाता है और छोटे वाले भाई को खिलाने के लिए भेज देता है। छोटे भाई को थोड़ा डर लगता है, पर फिर भी वो आगे बढ़ता है। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और दोनों को एक एक झापड़ मारती है, और खुद कमरे में खाना लेके जाती है। वो उसको खाना खिलाती है और उसके नाखून भी काटती है। रात को जब विनायक अपनी माँ से पूछता है कि क्या उस बूढ़े आदमी ने गोल्ड कॉइन दिया, तो वो मना कर देती है। तब उसका बेटा उस बूढ़े आदमी को गाली देता है, और फिर उसकी माँ उसको झापड़ मार देती है, और वहाँ पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी असल में इस लड़के का पिता है। बड़ा बेटा विनायक बोलता है, उस बूढ़े आदमी को बोल दो कि अगर उसने हमें सोने की मुद्रा नहीं दी, तो हम भी उसकी बुढ़िया का ख्याल नहीं रखेंगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आवाज आ जाती है, और उसकी माँ वहाँ कमरे में चेक करने जाती है। वो बूढ़ी औरत अपनी नींद से जाग चुकी है, और जैसे ही वो उसे कहती है कि सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा, ये बुढ़िया फिर से सोने चले जाती है। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी मर जाता है, और वो औरत अपने दोनों बच्चों के साथ तुम्बाड़ छोड़ के पुणे जाने का प्लान बनाती है, पर उसका बड़ा बेटा इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि उस हवेली में कोई खजाना है, और वो अपनी माँ से कहता है कि क्यों ना वो लोग हवेली चले जाएं, क्योंकि बूढ़े के मरने के बाद वो हवेली तो उनकी ही है। लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती, और वो उसे बोलती है कि वो लोग सुबह होते से ही पुणे के लिए निकल जाएंगे। बाहर उसका छोटा बेटा घर की दीवार पे चढ़ा होता है, और वहां से वो फिसल जाता है और एक पत्थर से टकराकर उसका सर फूट जाता है। उसकी माँ विनायक को घर में अकेला छोड़ छोटे वाले को डॉक्टर के पास ले जाती है। वो उसको बताती है कि आज विनायक को अकेले ही उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना होगा, और अगर वो नींद से जाग जाए तो उससे बोलना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि खाना जल चुका है, और वो बूढ़ी औरत भी जाग चुकी है, तो वो थोड़ा डर जाता है और जल्दी जल्दी उसके खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ उसके पास आ जाती है, और उसको पकड़ के अपने कमरे में ले जाती है। वो उसे खाना चाहती है, क्योंकि वो भूखी है। इस बच्चे को याद नहीं आता कि उसकी माँ ने उससे कौन सा शब्द बताया था। वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा भूखी होती है, और भूख के मारे वो उसे मानने ही वाली होती है कि तभी उसको वो शब्द याद आ जाता है, और वो उस बूढ़ी को सुला देता है। उस बूढ़ी औरत को हस्तर का वरदान मिला था, जिसे वो कभी भी मर नहीं सकती, भले ही उसका पूरा शरीर क्यों ना सड़ चुका हो, उसे अमर रहने का वरदान था। उसके सिर्फ दो ही काम थे, खाना और सोना। जब वो उसको सुला देता है, तभी उसकी माँ वापस आ जाती है, और वो अपनी माँ से अपने छोटे भाई के बारे में पूछता है। विनायक की माँ रोने लगती है, और उसे बताती है कि उसका छोटा भाई मर चुका है। उसके भाई का अंतिम संस्कार करके वो दोनों तुम्बाड़ को छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन
विनायक बहुत ही लालची है। वो अपनी माँ से बोलता है कि क्यों ना वो लोग बुढ़िया को बांध के उसे हवेली के खजाने के बारे में पूछे, लेकिन उसकी माँ उसे उसके लालच पर बहुत मारती है और उसे कभी तुम्बाड़ वापस ना आने को कहती है। और विनायक राव 15 साल बाद वापस तुम्बाड़ आता है खजाने की तलाश में और अपने पुराने घर में जाता है। वो वहाँ देखता है कि वो बूढ़ी औरत अभी भी जिंदा है जबकि उसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी है। विनायक राव उसे खजाने का पता पूछता है और बदले में बुढ़िया उसे उसकी मुक्ति मांगती है। वो कई महीने बाद पुणे वापस आता है और अपने साथ बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लाता है। और जब वो अपने घर वापस आता है तो अपनी बीवी के साथ थोड़ा गपागप करता है और फिर वो उस गोल्ड कॉइन को राघव नाम के बंदे के पास ले जाता है जिसने उसे उधार दे रखा था। वो राघव को ये गोल्ड कॉइन देके अपना सारा उधार वापस ले लेता है। अब वो तुम्बाड़ कई बार जाने लगता है और वहां से गोल्ड कॉइन्स को लाके पुणे में राघव को बेचने लगता है। राघव भी हैरान होता है कि इतने सारे गोल्ड कॉइन्स आ कहां से रहे हैं, पर विनायक ये बात किसी को भी नहीं बताता, यहां तक कि अपनी बीवी को भी नहीं। एक दिन राघव विनायक के घर उसकी बीवी से उन गोल्ड कॉइन्स के बारे में पूछने आता है, लेकिन तभी विनायक राव वहां आ जाता है और राघव चुपचाप वहां से चला जाता है। जाते जाते वो विनायक को पार्टनरशिप का ऑफर देता है, पर विनायक राव उसका ऑफर ठुकरा देता है। कुछ दिन बाद विनायक राव के घर में राघव एक काम वाली बाई को लेके आता है और उसको विनायक राव के घर पे छोड़ देता है। रात को वो काम वाली बाई विनायक को बताती है कि उसको राघव ने इसलिए भेजा है ताकि वो विनायक के घर पर नजर रख सके। ये जानकर विनायक राव को गुस्सा आ जाता है और वो एक प्लान बनाता है। वो तुम्बाड़ की तरफ जाता है और उसका पीछा करते हुए राघव भी वहां जाता है। विनायक राव राघव को देवी की कूप का रास्ता दिखाता है, पर राघव को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि अंदर वहां क्या छिपा है और वो वहां चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहां एक डब्बा रखा हुआ है। जब वो उसको खोलता है तो उसमें से उसको अंदर गीले आटे की एक गुड़िया मिलती है जिसको खाने के लिए हस्तर वहां आ जाता है। क्योंकि राघव को कुछ पता नहीं होता तो वो बहुत डर जाता है और हस्तर उसको काट लेता है और राघव भी उस बूढ़ी औरत की तरह हो जाता है, पर वो वहां से निकल नहीं पाता और देवी की ही कोख में फंस जाता है। कुछ वक्त बाद विनायक राव वहां आता है और राघव को कोख में फंसा देखता है। वो वहां पे एक आटे का गोला बनाता है जिसके अंदर वो खड़ा रहता है और फिर वो गीला आटा निकालता है तो वहां तुरंत हस्तर आ जाता है और वो हस्तर को थोड़ा परेशान करता है, उसके थोड़े मजे लेता है क्योंकि हस्तर वो सूखे आटे की लाइन पार नहीं कर सकता, इसलिए विनायक उसको उंगली कर देता है और फिर वो उसको गीला आटा खाने को देता है और फिर उसके पीछे बंडी एक पोटली से गोल्ड कॉइन्स निकालता है और जल्दी जल्दी उनको बटोर के वहां से चला जाता है। हस्तर खाने में बिजी रहता है और इसलिए हर बार विनायक राव वहां से जिंदा बच के आ जाता है। ऐसे ही करते करते काफी वक्त बीत जाता है। 1947 में जब इंडिया आजाद हो चुका था तब विनायक राव भी काफी पैसे वाला बन चुका था। उसने खुद का घर और गाड़ी खरीद ली थी और उसके तीन बच्चे भी थे जिनमें एक लड़का और दो लड़कियां थी। विनायक राव उस काम वाली बाई को भी अपने घर पे ले आया था, पर उसकी बीवी उस काम वाली बाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी तो वो अलग ऊपर के कमरे में रहती और विनायक राव भी अपना ज्यादातर वक्त उसके साथ बिताया करता था। वो अब बहुत अमीर हो चुका था तो उसके शौक भी बड़े हो गए थे। वो अब अलग अलग तरह के नशे करने लगा था और बहुत ज्यादा अय्याशी में लग गया था क्योंकि वो वक्त के साथ बूढ़ा होता जा रहा था। उसने अपने बेटे को भी तैयार करना शुरू कर दिया था और वो उसे डेली रस्सी पे चढ़ के हस्तर की पोटली से सिक्के निकालने की प्रैक्टिस करवाता था। एक दिन वो अपने बेटे को तुम्बाड़ साथ लेके जाता है। वो रास्ते में उसको सब बताता है कि वहां पे क्या है और क्या क्या हो सकता है। ये सब सुनकर उसका बेटा थोड़ा डर जाता है। तुम्बाड़ पहुंचते ही ये लोग आटे को गीला करके उसकी एक गुड़िया बनाते हैं, पर विनायक गीले आटे की इस गुड़िया को फेंक देता है। वो बोलता है कि आज ये लोग बस प्रैक्टिस करने आए हैं और उस गीले आटे की गुड़िया की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के इस गुफा को यानी देवी की कोख को देख के उसका बेटा थोड़ा डर जाता है। विनायक अपने बेटे को सूखे आटे के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि क्योंकि हस्तर देवी का सारा अनाज लेना चाहता था लेकिन वो ले नहीं पाया तो इसी कारण उसको अनाज की भूख भी है और वो अनाज से डरता भी है। उनके आसपास बने आटे के इस गोले को हस्तर कभी भी पार नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो उसको पार करेगा तो वो जल के मर जाएगा, लेकिन हस्तर को आटे की भूख भी है इसलिए वो हमेशा गीले आटे की गुड़िया को खाना चाहता है। जब तक वो लोग गीले आटे की गुड़िया को नहीं निकालेंगे तब तक हस्तर वहां नहीं आएगा। ये सुनकर उसका बेटा डर जाता है और उसे बताता है कि वो थोड़ा सा गीला आटा अपने साथ लेकर आया है और उस गीले आटे को देखकर हस्तर वहां आ जाता है। क्योंकि आटा कम होता है तो वो उस गीले आटे को हस्तर की तरफ फेंक देता है और रस्सी से ऊपर की तरफ भागने लगता है। उसका बेटा हस्तर की पोटली से कुछ गोल्ड कॉइंस ले लेता है और दोनों बाल बाल बच जाते हैं।
बाहर आते ही विनायक उसको बहुत मारता है और गोल्ड कॉइंस लेके वहां से वो दोनों चले जाते हैं। विनायक अपने बेटे की पहली कमाई उसको देता है और उस गोल्ड कॉइन को बहुत ज्यादा संभाल के रखने को कहता है। अब वो दोनों पुणे वापस आ जाते हैं। वापस आते ही विनायक तुम्बाड़ की हवेली खरीदने की बात करता है, पर वो हवेली जिस राजा के अंडर आती थी वो उसे बताता है कि वो हवेली उसने भारत सरकार को दे दी है। ये जानकर विनायक राव परेशान हो जाता है और खूब दारू पी लेता है। उसका बेटा उस काम वाली बाई के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर वो हंसने लगती है। तभी वो उसको अपना पहला गोल्ड कॉइन दे देता है और वहां से अपने पिता विनायक राव के पास चले जाता है। विनायक राव उसको बताता है कि वो हवेली अब सरकार की हो गई है और वो लोग अब वहां नहीं जा पाएंगे। वो अपने बेटे को अभी तक की हुई सारी कमाई दिखाता है और बोलता है कि अब उन लोगों को उस चीज में ही काम चलाना होगा। जब विनायक राव उस काम वाली बाई के पास जाता है तो उसके हाथ में गोल्ड कॉइन देखता है और वो उससे पूछता है कि ये उसे कहां से मिला। तब वो बताती है कि ये उसे उसके बेटे ने दिया है। ये सुनकर विनायक राव बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को मारने लगता है। तभी उसका बेटा उससे बोलता है कि वो गलत सोच रहा है, गोल्ड कॉइन हस्तर से नहीं बल्कि उसकी पोटली से मिलता है, तो क्यों ना हम उसकी पोटली ही निकाल कर ले जाएं। ये सुनकर विनायक राव उससे कहता है कि गीले आटे की एक गुड़िया खाने में हस्तर को ज्यादा वक्त नहीं लगता और इतने में वो बस थोड़े से ही गोल्ड कॉइन्स बटोर पाते हैं। लेकिन उसका बेटा उसे आइडिया देता है कि क्यों ना वो बहुत सारी आटे की गुड़िया वहां पे ले जाएं और जब हस्तर एक आटे की गुड़िया खाएगा वो लोग तुरंत ही दूसरे आटे की गुड़िया को उसके पास फेंक देंगे और उसकी पोटली चुरा के वहां से वापस आ जाएंगे। ये सुनकर विनायक राव मान जाता है और अपने बेटे की सूझबूझ पर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि वो 2-3 साल रुक जाए, फिर वो उसकी भी शादी करवा देगा। ये सुनकर उसका बेटा बोलता है कि वो तब तक नहीं रुक सकता और ये सुनकर विनायक हंसने लगता है और अपने बेटे को अय्याशिया करने ले जाता है। कुछ दिन बाद वो दोनों तुम्बाड़ वापस आ जाते हैं पूरी तैयारी के साथ। वो अपने साथ बहुत सारा आटा लाते हैं और उस आटे की बहुत सारी गुड़िया बनाते हैं। नॉर्मली वो लोग एक गुड़िया ही बनाते थे लेकिन अब वो बहुत सारी गुड़िया बनाते हैं और इस प्लान के साथ वो लोग नीचे उतरते हैं। लेकिन नीचे आकर वो जो देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके पास जितनी ज्यादा गुड़िया रहती हैं उतनी ज्यादा हस्तर वहां पे आने लगते हैं। अगर उनके पास एक आटे की गुड़िया थी तो एक हस्तर वहां आता था, लेकिन इस बार उनके पास बहुत सारी गुड़िया हैं और बहुत सारे हस्तर उनके पीछे पड़ जाते हैं। इतने सारे हस्तर को देख के विनायक राव का बेटा बेहोश हो जाता है। अब विनायक राव अपने बेटे को बचाने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने शरीर पर आटे की सारी गुड़ियों को बांध लेता है और हस्तर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो आटे के गोले से बाहर निकलता है ताकि सारे हस्तर उसके पीछे आए और उसका बेटा सेफली वहां से निकल जाए। विनायक राव हस्तर के साथ देवी की कोख से बाहर निकल आता है। देवी की कोख के आसपास आटे का घोल होता है जिसे हस्तर पार नहीं कर पाता, लेकिन विनायक राव का बेटा उससे सक्सेसफुली बाहर आ जाता है। बाहर आके वो देखता है कि उसके पिता श्रापित हो चुके हैं बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह, और यही होता है हस्तर का श्राप। जिसको भी हस्तर काटेगा वो अमर हो जाएगा। विनायक राव की हालत देखकर उसका बेटा डर जाता है और उस पोटली को नहीं लेता। यहाँ हम विनायक के मुंह पर हंसी देख पाते हैं। असल में वो अपने बेटे को एक सिंपल सी चीज सिखाना चाहता था और वो था कि लालच बहुत बुरी बात है। विनायक के बेटे ने अपना सबक सीख लिया। वो जान गया कि लालच करना बहुत ही बुरी बात है क्योंकि इसके कारण उसे अपने पिता को खोना पड़ा। वो अपने पिता को मुक्ति देने उसे वहां जला देता है और बिना पोटली लिए ही वहां से चला जाता है। इस नोट पर यह मूवी खत्म होती है कि किस तरह 3 generations ने अपने लालच की वजह से अपनी जिंदगी को गवा दिया, और इसी नोट पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मूवी नार्को को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।